तो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे Realme की V सीरीज़ के बारे में। तो गाइस, Realme ने अपनी V सीरीज़ के अंदर पहले से ही दो स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं, जिनका जो नाम है वो Realme V3 एंड V5 है। अब Realme V सीरीज़ के अंदर अपने दो न्यू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। तो गाइस, एक तो स्मार्टफोन आपको 7 जनवरी को देखने के लिए मिलेगा ही, पर जो दूसरा स्मार्टफोन होगा उसके अभी कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आया है। बट इतना जरूर कन्फर्म है कि वो आपको V15 Pro के नाम से देखने के लिए मिल सकता है। पर जो Realme का V15 है, ये जो स्मार्ट फोन है, ये आपको 7 जनवरी को चाइना में देखने के लिए मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन का जो बैक डिजाइन और फ्रंट डिजाइन है वो ऑफिशियली Realme ने लीक कर दिया है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, आपको कुछ इस तरह का डिजाइन मिलेगा। पीछे वाली साइड आपको 3 कैमरास मिलेंगे और वही पुराना डिजाइन मिलेगा आपको Realme का। यहां पर आपको डिजाइन को लेकर कोई भी इतने ज्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है। और फ्रंट वाली साइड आपको एक पंच होल वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। रही बात इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन की, तो इस स्मार्टफोन में आपको एक कैमलेड पैनल देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस, जैसा कि आप इस पोस्टर में देख सकते हो, यहां पर आपको कोई भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता। तो इससे कंफर्म होता है कि यहां पर आपके कैमलेड पैनल मिलेगा, जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। और जो डिस्प्ले का साइज होगा वो आपको 6 इंच से ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा। और ये जो डिस्प्ले होगी वो एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आएगी। और यहां पर आपको एक पंच होल वाले डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। और इस स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेंगे पीछे वाली साइड। जो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर होगा, वहां पर आपको सोनी का सेंसर मिल जाएगा। 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा। 2 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल सकता है। फोन में फ्रंट वाली साइड आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे आप काफी अच्छी सेल्फीज क्लिक कर सकते हो। और ये जो स्मार्टफोन है वो 50 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा, जिसमें आपको 4500 mAh तक की बैटरी देखने के लिए मिलेगी। और इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek का डोमेस्टिक 800U वाला प्रोसेसर मिलेगा, जिसमें आपको 5G का इनबिल्ट पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो Realme का V3 एंड V5 है, ये जो दोनों स्मार्टफोन है, ये आपको इंडिया में नहीं मिले हैं। बट जल्द ही आपको Realme की V सीरीज के अंदर दो न्यू स्मार्टफोन मिलेंगे इंडिया में। जो सबसे पहला स्मार्टफोन होगा वो आपको V5 देखने के लिए मिल सकता है इंडिया में, जिसमें आपको MediaTek का डोमेस्टिक 720 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं कि इंडिया में ये किस प्राइस के साथ स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं। और इसकी जो चाइना में प्राइस होगी वो आपको 15,000 से नीचे ही देखने के लिए मिलेगी, ऐसे लीक्स बताए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इंडिया में ये किस प्राइस के साथ स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं, अगर ये इंडिया में आते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल को दबा दीजिए, ताकि अपन वाले अपडेट को मिस ना करें। थैंक।